तो क्या है, दंत मंजन हो गया, नहाना हो गया, भगवान का धूप दीपक हो गया, धूप दीपक के बाद में थोड़ा तिलक वगैरह लगाते एक नहीं ना, श्रद्धावान हो गया, अलग अलग प्रकार, कोई सिंदूर लगाता है, कोई कुमकुम लगाता है, कोई अष्टगंध लगाते हैं, कोई का लगाते हैं, है ना, अलग अलग चीज क्यों लगाते हैं? पहला प्रश्न हमारा, क्यों लगाना जरूरी है? क्या क्या कुछ अलग दिखने के लिए? श्रृंगार ठीक है, अच्छा है, अभी क्या है इसमें, है ना, जिंदगी इसमें जीने, है ना, रोते रोते जीने का हमारा ये नहीं रहा, इसलिए इतने त्यौहार। बाकी दुनिया में कहाँ भी इतने त्यौहार है, हर दिन को एक त्यौहार है अगर हम मान लेंगे, है ना, क्यों? जिंदगी हंसते खेलते खुशी मजाक से ऐसा इसलिए जीने, वो हमारा पूर्वजों का एक बात रखा था ना, तो उसके हिसाब से। पर ये तिलक लगाना ही क्यों चाहिए, क्यों लगा देते, इसके कुछ उद्देश्य है क्या, जरूरी है क्या? ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, एक उनका कहना, ठीक है। और कोई कुछ ऐड करेंगे इसको? शुभ लक्षण है, आज्ञा चक्र जागृत होता है और शरीर इसमें रहने की जरूरत, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। ऐसे ढेर सारे जो है ना अलग 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 ये आ गए, ये सब कैसे होते, इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण। अभी ये धूप है, फैन लगा रहा, हमने फैन लगा रहा इधर, फैन घूम रहे हम कुछ करे बोले, इसके लिए क्या लगता है? इलेक्ट्रिसिटी, ऊर्जा लगती है। ऊर्जा बनती कहाँ पे है? कहाँ पे? तो महाराष्ट्र का एक कोपरे में कोई तो अणुभट्टी है या जल विद्युत है या कोयले का है, कौन सा, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा, और वो एनर्जी है कितना भयंकर मात्रा में है, पूरा उतना आ जाए तो ये पूरा जल जाएगा, ये क्या बहुत है, बड़े बड़े चीज जल जाएंगे, है ना। वहाँ से क्या क्या तो होता है, स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर, स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसपोर्टेशन, ये ट्रांसमिशन लाइन, यहाँ वहाँ सब करके यहाँ तक लाके वायर में यहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी ला के रखी उसको, है ना, वहाँ से यहाँ तक आप इलेक्ट्रिसिटी है। अब ये इलेक्ट्रिसिटी विद्युत जो है ना, इसका इस्तेमाल करके हम ये फैन घूमने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक बटन दिया है, वो स्विच ऑन करना है, वो बटन अगर हम दबाएंगे तो ये फैन घूमेंगे, वो बटन नहीं दबाएंगे तो ये फैन नहीं घूमेंगे। बोले तो एनर्जी है उधर, ढेर सारा एनर्जी है, वो एनर्जी का इस्तेमाल ये फैन के लिए होना है तो वो बटन दबाना पड़ता है। हमारे घर में है वो उधर नहीं है, उधर तो अनंत ऊर्जा, ज़्यादा ऊर्जा, इसका कितने सौ कितने करोड़ गुना ज़्यादा भगवान का ऊर्जा है उनको पता नहीं है, सृष्टि का ऊर्जा। जो अभी खाने से पहले वो पूछ रहे थे ना, क्या अग्निहोत्र के बारे में आपने मंत्र पूछा है, आप आशीर्वाद भी भूल गए, हम भी आगे भूल गए, ठीक है, इसके बाद में बोलिए, ठीक है। तो क्या है, अनंत ऊर्जा है भगवान का, पर हमारा इधर उसका इस्तेमाल होना चाहिए ना, सृष्टि में जितना शक्ति है उसका हमारी पात्रता के हिसाब से, जिसको कितना परसेंटेज होना उतना ही होना, ज़्यादा आ गए तो ये चल जाता, कम आए तो घूमता नहीं, है ना, इसकी कैपेसिटी कितना है उतना एनर्जी इसको चाहिए, उसके लिए एक स्विच जैसा है ना। ऐसे पूरे हमारे जो शरीर, ये यंत्र है, ये यंत्र सुचारू रूप से चलना चाहिए, और ये सृष्टि का कॉस्मिक एनर्जी जिसको बोला जाता है, अच्छे का उसको ग्रहण करने का, इसकी कैपेसिटी के हिसाब से उसको ग्रहण करने के लिए भगवान ने यहाँ पे एक स्विच दिया है, जिसको बोलते हैं आज्ञा चक्र, अलग अलग मूलाधार से लेकर संस्कार, उसमें के एक है महत्वपूर्ण ये आज्ञा चक्र, ये आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करना था। अगर हम ये आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करेंगे तो ये सृष्टि में से एनर्जी को अपनी तरफ रिसीव करेंगे, और वो एनर्जी में भी पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी है, कुछ भी चीज़ यहाँ पे लगाओगे तो कुछ भी होगा ऐसा नहीं है। इसलिए मांगलिक, जैसे सर ने बोले, पॉजिटिव एनर्जी को खींचने वाला कौन से द्रव्य है, ये हमारे ऋषियों ने गिनती की, उसमें से कुछ वस्तुएँ बनाई और उसको तिलक के रूप में धारण करने के लिए बोले। अलग 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 संप्रदाय के लोग, अलग 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 पद्धति के लोग, उसमें से कुछ चीज़ों को मिला के कुछ करके ये करके मांगलिक बनाते हैं। उसमें सबसे ज्यादा महिलाएं जो इस्तेमाल करते हैं वो है कुमकुम,
वो इस्तेमाल कर रही है। फिर क्या हो गया, हजारों हजारों साल से कुमकुम लगाने की पद्धति है, इसलिए भयंकर मात्रा में कुमकुम चाहिए। और बनाने का विधि बीच में कहाँ पे तो लुप्त हो गया या खंडित हो गया, और मार्केट में डिमांड है तो कंपनी प्रोड्यूस करके देगा, इसलिए जरूरत के हिसाब से, आसान हिसाब से और अट्रैक्टिवनेस बनाए रखने के लिए कंपनियों ने क्या किया, उसमें क्या तो मिलाया क्या तो दिया, कुछ तो करके देना शुरू कर दिया, फिर बाद में यहाँ पर धब्बा लगना शुरू हो गया, कुंडली होना शुरू कर दिया, अलग अलग बाल झड़ना शुरू हो गया, क्या क्या तो होने से महिलाएँ उसको छोड़ने लगी। फिर क्या हो गया, टिकली, अब टिकली भी छोड़ दिए, उसमें सिर्फ दिक्कत होगा। तो ऐसे सब हो गए जो शुद्ध रूप में कुमकुम वेदोक्त जो है ना वो बनाने की प्रथा लुप्त हो गई। बड़े से बड़े मंदिर, बड़े से बड़े धार्मिक स्थल, वहाँ पे जाने के बाद भी आपको देखने को मिलेगा सब गुलाब है, कभी कलता है। एक बार थोड़ा आप लगा लियो धोने के लिए, कितना भी पानी लगा के घसे तो भी नहीं जाता, कलर लग जाता है ना। कुमकुम अगर आप कोई भी कुमकुम टेस्ट करना चाहते हो तो ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, एक थोड़ा कुमकुम जो है ना अपनी हथेली में डाल दीजिए, उसके ऊपर थोड़ा पानी डाल के ऐसा घसीजिए, बाद में उसको ज़्यादा पानी डाल के धो लीजिए और कलर देखिए। अगर गुलाल का कलर लग गया, लाल कलर, और वो कितना भी घसे तो भी जा नहीं रहा, तो समझ लीजिए वो पक्का केमिकल का कुमकुम है, वो लगाने से आपका स्किन को खराब होने वाला ही है। फिर क्या करने का, वो कुमकुम कैसा बनाया जाता है वो अभी आप लिख लीजिए। बहुत ढेर सारे हमारे शिविरार्थी वो बनाने लगे, अभी भी इधर जो गोगरे जी बना के लाए हैं वो भी ऐसे ही है। हाँ, इधर है कुमकुम, अभी विष्णु भाई ने बताया ना तो मुझे याद आ गया कि आप आइए तो थोड़ा बताइए कैसे बनाए। प्रैक्टिकल नहीं होने वाला? नहीं नहीं, प्रैक्टिकल नहीं होगा क्योंकि उसको समय लगता है। बनाने की विधि बहुत आसान है पर उसमें परिश्रम भी है, उसी के लिए उनको मैं नाम लिया। कैसे बनाना है आप लिख लीजिए, जहाँ हो सके वहाँ पे जितना हो सके उतना आप ये बनाना शुरू कीजिए। बहुत बड़ा मार्केट है पर शुद्ध वस्तु मिलना बहुत आवश्यक है, तभी जाकर उसका डिमांड बन सकता है, ठीक है ना। एक केजी हल्कुंड हल्दी का डाट रहता है ना, हल्दी क्या बोलते आप, हल्द एक के जी हल्दी, हल्दी बोलते पिसा हुआ नहीं, हल्कुंड बोलते ना आप लोग, गाठ जो मिलता है ना वो ले लीजिए, 750 ml नींबू का रस चाहिए। इसको आप तभी बनाइए जब आपके पास नींबू बहुत सस्ते में होते, कड़ी धूप में जब एक नींबू 10 रुपए का है तब ये कुमकुम बनाने मत जाइए, है ना। नींबू जब सस्ते में मिलते रहते तब ये चीज़ बना के रखने का, ये सालों साल खराब नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होगा, गारंटी है। तो आप बना के रख लीजिए, फिर बाद में इसको बीजिए। बाद में सुहागा 150 ग्राम हाँ मिलता है सुहागा, बोलते हो उसको क्या बोलते हैं, अलम, क्या बोलते हैं सुहागा को, बोरेक्स, सुहागा मराठी में बोलते हैं वाइट, तुरटी नहीं, तुरटी के जैसे रहता, तुरटी से भी वाइट रहता है ये, हाँ तुरटी बोले तो अलम है कि बोरेक्स है, बोरेक्स बॉर्डर को कार्ड में ही मिलता है बोरेक्स वाइट कलर, पाउडर नहीं होती है, पाउडर बना के डालना पड़ता है, ऐसा काट काट आता है वाइट काट, हाँ क्रिस्टल सुहागा बोलते हैं। इसके साथ चौथा एक आइटम है जिसको 3 मात्रा में डालना है, अगर 3 मात्रा में डालेंगे तो 3 अलग कलर का कुमकुम बनेगा, जिसको एक को अष्टगंध कह सकते हैं, एक को कुमकुम कह सकते हैं, दूसरे को केशरी कह सकते हैं, तीनों अलग अलग कलर का। पर तुर्ती तीसरा जो है ना फिटकरी या तुर्ती, आप क्या बोलते हैं इसको, अलम, अलम, अगर ये 15 ग्राम डालेंगे ना कलर बहुत पतला होगा,
इसको 25 ग्राम से 35 ग्राम तक डालेंगे ना, एकदम कुमकुम का कलर होगा। कितना? 25 ग्राम से 35 ग्राम के बीच। 35 ग्राम से ज्यादा डालेंगे आप, एकदम गाढ़ा कलर आएगा, एकदम गाढ़ा कलर। हाँ, आप ये तुरटी कितनी प्रमाण में डालते हैं उतनी प्रमाण में कलर गाढ़ापन आएगा, कलर की गाढ़ा। अलग 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 शेड का आप बना सकते हो, अलग 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 जितना आप चाहिए उतना, क्योंकि तुरटी क्या बहुत कॉस्टली चीज़ नहीं है, जितना चाहिए उतना वेरिएशन आप कर सकते हो। 15 से लेकर 50-75 ग्राम लेके आप बढ़ाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग कलर का बनेगा, सिर्फ कलरिंग चेंज के लिए काम आएगा तुरटी। अब करना क्या है, ये जो 750 ml नींबू का रस है ना, इसमें पहले ये दो सुखाना और रोटी कूट के पाउडर बना के नींबू का रस में उसको मिला दीजिए अच्छे से, नींबू का रस में रोटी और सुहागा दोनों फिट करिए और मोरेक्स, ये दोनों को कूट के पाउडर बना के वो नींबू का रस में मिला दीजिए अच्छे से, मिलाइए है नहीं क्या बोरेक्स ना, ऐसे ही करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो गर्म नहीं करता, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, फिटकरी जो है ना थोड़ा वो फुला हुआ फिट करे तो आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि पाउडर बन जाएगा ना, जो आगे तो हम वैसे ही डालते हैं तो ये दोनों जैसे पानी में आप शक्कर या चीज ये मिलाते ना, नमक मिलाना है तो कैसे मिलाना, वैसे उसको पहले मिला दीजिए। मिलाने के बाद क्या करना है, ये जो हल्कुंड है हल्दी का घाट है इसमें भिगो के रख दीजिए, वो 750 ml नींबू का रस में वो हल्कुंड डाल दीजिए, हल्दी की घाट काटी पाउडर नहीं, हाँ ऐसे ही डाल दीजिए पूरा, हाँ हल्कुंड डाल दीजिए, एक दिन पूरा उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, वो पूरा नींबू का रस को सोख के ऐसा मोटा हो जाएगा, 24 तास है ना, हिलाने की कोई जरूरत नहीं, अंदर डाल दिए तो दूसरे दिन तक वो पूरा अंदर खींच देगा, उसमें कुछ भी नींबू का रस मिलेगा ही नहीं, आप पूरा का पूरा सब सोख लेगा वो नींबू का रस। एक दिन हो गया तो दूसरे दिन उसको निकाल के एक या दो दिन धूप में सुखाए, एक या दो दिन आपके पास कड़क धूप है तो एक दिन काफी है, थोड़ा धूप कम है तो उसको दो दिन धूप में सुखा दीजिए, उसके बाद में उसको निकाल के छांव में डाल दीजिए एक 25 से 30 दिन जो है ना वो धूप से निकाल के छांव में उसको सूखने के लिए छोड़ दीजिए, हल्कुंड को पूरा का पूरा पहले का स्टेट में आ जाएगा, वो सूख के परफेक्ट सूख जाएगा, उसके बाद में उसको पीसना, 25 से 30 दिन छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे भी एक जगह में डाल कर उसको रख दीजिए, आराम से वो सूख जाएगा, पक्का परफेक्ट सूख जाएगा। धूप में सिर्फ एक दिन से दो दिन ज़्यादा से ज़्यादा, अगर ज़्यादा धूप है तो एक दिन काफ़ी है, फंगस वंगस नहीं होना बोल के वो सूखना ही। हाँ वो कलर आप कम या डालेंगे तो वो कलर आएगा फिट करी, ज़्यादा डालेंगे तो कुमकुम या चॉकलेट के कलर आ जाएगा पूरा का पूरा, फिट करी का फर्क है उसमें कलर, और परफेक्ट 15 ग्राम डाल दीजिए बस, वो कलर आ जाएगा 25 से 30, और उससे ज्यादा करते जाएंगे तो और ज्यादा चॉकलेट बनता जाएगा कलर, ठीक है। बस बाद में क्या करना है, इसको पीसना है अच्छे से, पीसने के बाद उसको थोड़ा छान लीजिए, नहीं मिक्सर में तो उतना पक्का नहीं होगा, चक्की में पिसाइए, नहीं तो आपका जो ये रहता ना पल्वराइजर सिलबट्टा उसमें कीजिए, कहाँ पर हो सकता है वो पीस लीजिए, पीसने के बाद उसको छानिए, जो भी जाड़ा है वापस उसमें डाल के पीजिए, वेस्टेज वगैरह कुछ भी नहीं आता, इतना ही है कि जो जाड़ापन रहता ना उसको और अच्छे से पीस के फाइन पाउडर बनाना है, क्योंकि यहाँ पे लगा तो जाड़ा रहेगा तो लगेगा नहीं ना, जितना अच्छा पाउडर रहेगा उतना अच्छा लगेगा। ऐसा 1 kg ये जो बनता है कुमकुम, इसको पचास ग्राम
गाय का घी 100 ml पहले नहीं, एक पूरा पीसने के बाद, पीस के आपका कुमकुम रेडी होता ना, रेडी होने के बाद जो कुमकुम ऐसा 1 kg कुमकुम बन गया समझिए, उसको 100 ग्राम गाय का घी से उसको अच्छे से ये करना है। ये टोटल वेदों की पद्धति है कुमकुम बनाने का। इसमें गाय का घी लगता है, उसमें जो भी जाड़ा जाड़ा रहता है फिर उसमें पीस लीजिए, वो भी कलर बना रहता है पूरा का पूरा, सब वही एक ही कलर हुआ रहता है, सिर्फ इतना है कि वो छानने के बाद जो जाड़ा बचता है फिर उसको पीस लीजिए, फिर आपको कुमकुम बनेगा। ऐसा बना हुआ 1 kg कुमकुम को 100 ग्राम तक घी जो है ना अच्छे से ऐसा एक कर दीजिए, उसमें एक टेक्स्चर आएगा, उसके बाद में चमक आएगी। आप जब घी डालोगे ना, घी डाला हुआ और घी नहीं डाला हुआ कुमकुम सीधा सीधा आपको समझ में आता है, एक बार बाजू में रखेंगे ना। और 100 लोग जो लेने वाले हैं उसमें से 95% लोग जो लगा हुआ घी रहेगा ना वही लेंगे, अगर सामने दिखेगा ना वो पता लगता है उसमें कुमकुम है बोल के पता नहीं लगता, पर वो जो चमक है एकदम जबरदस्त आता है। और लगाने के बाद का जो इफेक्ट है ना, आदमी का सोच, आदमी का विचार, वो एक अनुभूति ही अलग है। थोड़ा पतला कर लीजिए घी को, फिर बाद में उसको लगा के ऐसा सभी को मसल दीजिए, सब तरफ वो कोटिंग हो जाएगा, फिर सुखाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पहले ही सुहागा डाले हैं ना, उसमें से कुछ भी फंगस वंगस कुछ भी नहीं होगा, कितने दिन भी आप लीजिए ये ऑटोमेटिक परफेक्ट ये हो जाएगा। ये पद्धति से ये कुमकुम भी बनाए हैं अभी यहाँ पे जो रखे हैं, आप इसका इस्तेमाल कीजिए। आप जहाँ जहाँ पे है, जहाँ जो जो भी किसान जैविक खेती के माध्यम से हल्दी उगाते हैं वो लोग तो इसको अवश्य बनाना चाहिए, उससे उनका पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी बोलते हैं ना हम, जो भी उनका प्रोडक्ट है वो ऐसे ही बिकना नहीं चाहिए। अभी जो हल्दी है तो हल्दी का पाउडर बना के बेच रहे ना, उसी के साथ ये एक भी प्रोडक्ट करेंगे बहुत मात्रा में, नहीं तो भी कम मात्रा में, और अच्छा फायदे भी होगा और समाज को एक अच्छा प्रोडक्ट देने का श्रेय मिलेगा, वो बहुत आवश्यक है, क्योंकि लगाना तो चाहते हैं ऊपर मिलता नहीं है, क्या करने का है ना, अच्छा प्रोडक्ट कंटिन्यू नहीं मिलता, मिला तो भी कभी तो एक बार मिलता, अच्छे अच्छे क्षेत्र में जाने के बाद तो वहाँ पर गुलाली मिलता। और इसको आप एक फूल निकल डाल के उसके ऊपर थोड़ा पानी डाल के एग्जामिन कीजिए क्या होता, देखिए थोड़ा पानी डाल के इसको ऐसा ये करेंगे ना, बाद में धो लीजिए आपको हल्दी का कलर आएगा, और वो हल्दी का कलर आओ थोड़ा पानी से धोएंगे तो निकल जाए, क्योंकि वो तो हल्दी है ना, ओरिजिनल हल्दी है। कहाँ कहाँ पे बनता देखिए भाई, क्या होली का रंग जो है ना ये होली का रंग बनाते हैं, क्योंकि वो गर्मी को पूरा का पूरा निकाल देता है, अभी गर्मी शुरू होने वाला रहता है ना, ठंडक की आवश्यकता रहती है, वो सबसे बेस्ट है उसके लिए दवा, वो फूल से होली खेला करते हैं। अभी वो पेड़ भी नहीं है, फूल भी नहीं है, यहाँ पे कहीं पे तो थोड़ा मिला तो पूरा भारत सूखा रहेगा, ला लिए कलर आने के लिए आपने सूटी बोला है तो वो मतलब जैसे 25 से 35 तक आपने बोला है तो हम जैसे ऐड करते हैं तो वैसे ही वो कलर चेंज होते जाता है क्या, तो पहचानना कैसे कितना डाल, पहचाना नहीं है। आप अगर 1 kg का जब दुबाते हैं ना, 1 kg को ही 3 अलग अलग भाग में ले लीजिए, एक में 15 ग्राम डालिए, एक में 25 ग्राम डालिए, एक में 35 या 40 ग्राम डाल के रखिए, वो तीनों का कलर आपको पता लगेगा कौन सा कलर कौन से में, क्योंकि एक ही दिन में नहीं आएगा वो, जब पूरा नींबू का इसको खींच लेगा, वो खींचने के बाद आप सुखाने के बाद जब पीसते हैं तभी पता लगता है, नहीं तो नींबू के गाँट में ज़्यादा फटक सब फाड़ेंगे तो पता लगेगा, पर एक्चुअली ओरिजिनल कलर जो है ना आपको फाइनल प्रोडक्ट में ही दिखेगा ना, तो एक बार स्टैंडर्डाइजेशन होने के लिए देख लीजिए, फिर आपके पास कौन सा कलर का ज़्यादा डिमांड है, कौन सा कलर ज़्यादा चलता है, उस मात्रा में फिट करी डालते जाइए आप, है ना। वो पर्टिकुलर उसमें डालना।